हेलो दोस्तों, पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे इस सुंदर से औषधीय गुण वाले पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे को आमतौर पर एक खरपतवार माना जाता है जो खुले स्थानों, बंजर भूमि या वनों और ग्रामीण क्षेत्रों में चारों तरफ उगा हुआ दिखाई देता है। यह पौधा 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसकी पत्तियाँ 3-3 जोड़ियों में होती हैं, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं, और प्रत्येक पत्ती लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की लंबी होती है। इसके फूल हल्के पीले रंग के होते हैं तथा इसकी फलियां 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी झुकी हुई एक हाशिए के आकार की होती है। इसके फलियों में प्रत्येक फलियों में लगभग 30 से 50 बीज होते हैं। यह पौधा औषधीय गुण वाला है और इसके जड़ों, पत्तियों और बीजों को व्यापक रूप से भारतीय और दक्षिण एशियाई देशों में पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसके बीज खाने योग्य होते हैं तथा इसकी नई नई पत्तियों को सब्जी के रूप में पकाकर खाया जाता है, जबकि इसके भुने हुए बीजों को एक कॉफी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। श्रीलंका में इसके फूलों को भी भोजन में उपयोग किया जाता है। इसके बीज और पत्तियों का उपयोग लोक चिकित्सा में रोगों के इलाज में किया जाता है, जैसे इसके बीजों का उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है। इस पौधे से चाय बनाई जाती है, जिसे कोरिया गणराज्य में मानव दृष्टि को फिर से जीवंत करने वाला माना जाता है। इसकी चाय को सिकल टी कहते हैं और इसका चाय का स्वाद कॉफ़ी की सुगंध से मिलता है, इसलिए इसे कॉफ़ी चाय भी कहा जाता है। क्योंकि यह पौधा में एक बाहरी कीटाणुनाशक एंटी पैरासिटिक गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग त्वचा रोगों जैसे कुष्ठ रोग, दांत, खुजली और सोरासिस के इलाज में के साथ साथ सर्प दंश के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। इस पौधे के अन्य हिस्सों को भी अन्य औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे बनी चाय शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला माना जाता है। लेकिन इस पौधे के उपयोग के साथ साथ कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे इसकी चाय को ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट खराब हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका चाय पीना वर्जित है और पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो इसका चाय लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी होता है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम सेनातोरा है, जिसको अंग्रेजी में कई नामों से जानते हैं, जैसे सिकल पॉट, केसिया टोरा आदि। हिंदी में इस पौधे को चकुंडा पौधा कहते हैं तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।